एक्चुअली बिफोर कमिंग परिणीति ने मेरे को मैसेज देते काफी मैं आपको एक सुना देता हूँ आई लव यू अरुण आई वांट टू बी विद यू वो मैं ही थी अगर वरुण आपको किसी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करने का मौका दिया जाए वी चैट पे और आपको परिणीति किसी एक्टर के साथ किसको आप वॉइस नोट भेजना चाहोगे और क्या स्माइली भेजोगे मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूंगा जिसकी जरूरत मुझे आमने सामने नहीं होगी तो शायद कटरीना कैफ अच्छा सब लोग पिटेगा आपने तो वरुण आलिया का नाम ही नहीं लिया सोच रहे थे आप आलिया बोलोगे है आंसर उसका था कि आपका था पूछ रहा हूँ ऐसे नहीं वेरी बैड आलिया मेरी दोस्त है मैं उसके साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता हूँ इफ आई हैड टू चूज रणबीर रणबीर बिकॉज ही इज माई फेवरेट एक्टर वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन द करेंट जेनरेशन सो या अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कहा कल नहीं परसों परसों वही जहां कोई आता जाता नहीं That's room 380. I'll see you there. So how crazy are you both about chatting on networking sites? I think more than crazy, we're lazy. And that is why we don't like to pick up the phone and SMS or calls. So we like to chat. I mean, I do that all the time. I'm on the phone constantly. And any chatting application is welcome to a lot of youngsters. All we're saying is switch to WeChat. I think I totally agree with her. I think today to communicate through an application is the best thing, is the way forward. I think WeChat has become the preferred way of communication in terms of applications today. And I'm having a blast ever since I downloaded it because it even has a privacy setting, which on other applications you don't have. Anyone can message you, abuse you, say anything. But on WeChat you can choose who you want to communicate with as well. So I think that's why it's really good, at least for me to use. द वॉइस चैट आई थिंक वो एक ऐसा फीचर है जो किसी एप्लीकेशन में नहीं है एंड सबसे ज़्यादा सी द रीज़न हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ताकि हमें कन्वीनियंस मिले एंड वॉइस मैसेजिंग बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है वी चैट का